दोस्तों एनएचएम में निकली है बम्पर वैकेंसीज। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए है सुनहरा मौका नौकरी पाने का। कैसे करना है अप्लाई, कितनी रहेगी सैलरी और क्या क्या मांगी गई है क्वालिफिकेशन, सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा पूरा, और अगर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एनएचएम से रिलेटेड आप जानते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र में आयुष डॉक्टर्स के लिए निकली हैं 9552 वैकेंसीज। कैसे अप्लाई करना है सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जी हाँ, अगर आपने BAMS या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। कैसे करना है अप्लाई वो बताने से पहले हम आपको बताते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। ओपन कैटेगरी के लिए 38 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 43 एज आपकी सुटेबल मानी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट बेस होगा, जो डिपेंड करेगा आपकी BAMS की फाइनल मार्क्स पर। पे स्केल की अगर बात की जाए तो 25,000 इसमें मिनिमम पे स्केल रखा गया है, उसके साथ साथ 15,000 तक आप इसमें इंसेंटिव भी अर्न कर सकते हैं। महाराष्ट्र के 21 जिलों के लिए ये वैकेंसी आई हैं। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा किसी हॉस्पिटल में। उस 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद एक एग्ज़ाम कराया जाएगा जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको अपॉइंट किया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर किसी सब सेंटर पर। एग्ज़िट एग्ज़ाम देने के आपको 2 मौके दिए जाएंगे। अगर आप दोनों ही मौक़ों में फेल हो जाते हैं या उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम से पूरी तरह से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अगर दोनों मौक़ों में आप किसी भी एक एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये अपॉइंटमेंट पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद गवर्नमेंट अपने नियम और रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिन्यूअल दे देगी। पोस्ट और रिजर्वेशन ये दोनों ही चेंज भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर एडिशनल एडवांटेज आपके पास है, हो सकता है अगर आप PG डिग्री किए हुए हैं। अगर आप 5% एडिशनल मार्क्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PG डिप्लोमा होना चाहिए या फिर PG डिग्री। अगर आपके पास PG डिप्लोमा है तो आपको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपके पास PG डिग्री है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे मेरिट में। इसके अलावा आपको 10% एडिशनल मार्क्स पाने के लिए आपको लोकल, वहाँ का उस डिस्ट्रिक्ट का लोकल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, और अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर तालुका के हैं तो भी आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। लास्ट डेट एग्ज़ाम के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की 23 फरवरी 2019 है। आवेदन कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए एड्रेस पर बाय पोस्ट आपको उसे पोस्ट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन इसमें नहीं है, ये ऑफलाइन आवेदन ही वहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। और अगर 23 तारीख के बाद यानी 23 फरवरी 2019 के बाद कोई आवेदन वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसको ऑटोमेटिक डिसक्वालीफाई कर देंगे। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये घट बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल 9552 वैकेंसीज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट की नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र में निकली है, जो वहाँ के 21 जिलों के लिए है। अगर आप वो 21 जिलों के नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिए। कुछ जिले मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से वाराडा, सतारा, चंद्रपुर, नंदिंद, जलगांव, लातूर, अहमदनगर, पालघर, गोंडिया, नासिक, पुणे, अमरावती, ठाणे, रायगढ़, यवतमाल, नागपुर,
गढ़चिरौली जैसे कुछ 21 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसी निकाली गई हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, 23 है लास्ट डेट। और सैलरी की बात हमने आपको क्लियर कर दी है, 25,000 पर मंथ। इसके अतिरिक्त आपका इंसेंटिव आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, जो मैक्सिमम 15,000 तक हो सकता है। इट मीन्स कि 40,000 तक आप यहां से अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।